पार्ट 6। गर्व जरूरी है, अहंकार और दिखावा नहीं। अक्सर उपलब्धियां हासिल करके जब हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो मन में गर्व का भाव आ जाता है और हम खुद को श्रेष्ठ महसूस करते हैं। आखिर क्यों न हो, उपलब्धि और सफलता पर गर्व तो होना ही चाहिए। यदि यही गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल जाए तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। यह अहंकार हमसे ऐसे ऐसे कार्य करवाता है कि जिन सीढ़ियों से धीरे धीरे चढ़कर हम सफल हुए, उन्हीं सीढ़ियों से तेजी से नीचे आकर असफलता मिलती है। इसी अहंकार की वजह से हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, अपनी उपलब्धियों का दिखावा करते हैं और दूसरों को छोटा महसूस करते हैं। यह अहंकार सफलता का घोर शत्रु है और इसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा। रावण जैसा महाबलशाली और परम ज्ञानी भी इस अहंकार का शिकार हो गया था। उसे अपनी अथाह ताकत पर गरूर हो गया था। उसे विश्वास था कि तीनों लोकों में से उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि एक ज्योतिषी ने रावण से कहा कि शनि की दृष्टि की वजह से तुम्हारा पतन होगा। रावण ठहाका लगाकर हंसा और अगले ही दिन शनि को बुलवाया। दरबार में सबके बीच में सिंहासन पर बैठकर शनि को अपने पैरों के नीचे लिटाया और उसकी पीठ पर पैर रखकर बैठने लगा। मद में चूर रावण सबको दिखाना चाहता था कि वह शनि को भी पैरों तले रख सकता है। एक दिन नारद वहां पहुंचे और उन्होंने रावण से कहा, हे रावण, तुम क्यों इस शनि की पीठ पर पैर रखकर कमजोरों सा कार्य कर रहे हो? तुम्हें तो उसकी छाती पर पैर रखना चाहिए। तुम क्यों इसकी दृष्टि से घबरा रहे हो? गर्व में चूर रावण ने तुरंत शनि को पलटा दिया और उसने सीने पर पैर रखा। कहते हैं उसी समय शनि ने रावण पर अपनी कुपित दृष्टि डाल दी और रावण के सर्वनाश की कहानी लिख दी। जब इस अहंकार ने रावण जैसे महाज्ञानी को नहीं छोड़ा तो हम और आप तो आम लोग हैं। मित्रों, उपलब्धि पाकर बड़ा हो जाना बहुत सरल है, परंतु उपलब्धि पाकर छोटा रहना बहुत कठिन है। यदि यह गुण आपके अंदर आ गया तो लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपका सानिध्य चाहेंगे और आप लोकप्रिय हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अक्सर हैसियत न होने पर भी लोग बड़े होने का दिखावा करते हैं। कुछ लोग तो छोटी सी उपलब्धि संभाल नहीं पाते, उनका दिमाग सातवें आसमान पर चला जाता है। एक युवा की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। कंपनी ने एक शानदार ऑफिस दिया। पहले दिन जब वो नौकरी पर पहुंचा, एक सामान्य से व्यक्ति ने उसके कक्ष में अंदर आने की इजाज़त मांगी। वह चाहता तो तुरंत अंदर आने को कह सकता था, परंतु युवा ने उसे आधे घंटे तक इंतजार कराया। अब वो व्यक्ति अंदर आया तो युवा ने उसके सामने टेलीफोन पर बात शुरू कर दी। उस व्यक्ति को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वह टेलीफोन पर अपने रुतबे, संपर्क और लाखों की आमदनी की बातें कर रहा था। वह आगंतुक शांत बड़ा रहा। युवा ने बातें ख़त्म की और उससे आने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया, साहब, मैं टेलीफोन कर्मचारी हूँ, जिस फ़ोन से आप इतनी देर से बातें कर रहे हैं उसे जोड़ने और चालू करने आया हूँ, वह तो अभी सर्विस में नहीं है। युवा, जो इतनी देर से बंद फ़ोन पर शेखी बाघार रहा था, शर्मिंदा हो गया और चुपचाप कमरे से चला गया। मित्रों, यदि आप में गुण है तो अहंकार पूर्ण दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। रणनीति बनाकर आप कार्य करते जाइए, योजनाबद्ध मार्केटिंग कीजिए, गुण स्वयं ही सबको नजर आएंगे। आप सबको एक बार मूर्ख बना सकते हैं, परंतु हर किसी को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। अक्सर झूठा दिखावा करने वाले, अहंकार दिखाने वाले और डींगे हांकने वाले लोग सोसाइटी में निंदा का पात्र बनते हैं। ईगो और अहंकार के बीच एक छोटा सा फर्क है। ईगो इंसान को स्वाभिमानी बनाता है और अहंकार इंसान को अभिमानी। ये शब्द डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी द्वारा कहे गए हैं। नानूगिरी के 3 नियम आइए जानते हैं। गांधीगिरी शब्द जन जन तक पहुंचाने वाली फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई मैंने मेरी पूरी ट्रेनिंग टीम के साथ देखी। उस फिल्म को हमारे साथ हमारे एक आदरणीय मित्र नानू भाई भी देख रहे थे। उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत तो वो कई सालों से पाल रहे हैं। इन्हीं सिद्धांतों की वजह से वे शांत और विवाद रहित जीवन जीते हैं। इन सिद्धांतों की वजह से उन्होंने व्यवसाय में भी आश्चर्यजनक तरक्की की है। वे गांधी जी के अनन्य भक्त थे।
हमारी रुचि उनके सिद्धांतों में और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम सब नानू भाई की तरक्की को एक मिसाल मानते थे। सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद 52 साल की उम्र में हमने उन्हें 60,000 रुपये से शुरू करके 15 करोड़ तक फिर आते देखा था। उनके सिद्धांतों को हमने नाम दिया नानूगिरी। नानूगिरी के सिद्धांतों को हमारी टीम ने व्यक्तिगत जीवन और कार्य क्षेत्र में अपनाना शुरू किया तो शानदार परिणाम सामने आए। मैंने इस किताब के माध्यम से नानूगिरी को देश के हजारों पाठकों के साथ बांटने का निर्णय लिया। इन उसूलों को समझाने के लिए मैंने कुछ कहानियों का सहारा लिया है। उसी दिन शाम को उसी कहानी से प्रेरित होकर हमने अपनी टीम के लिए कुछ नए नियम बनाए। चूंकि उसी दिन लगे रहो मुन्ना भाई देखी थी, इसलिए गांधीगिरी की तर्ज पर मेरे साथियों ने इसे नानूगिरी बना दिया। ये नानूगिरी भी गांधीगिरी से प्रेरणा लेकर बाहर आया। सालों से हजारों लोगों को प्रभावी बोलने की कला, लीडरशिप और व्यक्तित्व विकास के पाठ पढ़ाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ऐसे छोटे छोटे सूत्र होने चाहिए जो मुसीबत में इंसान की मदद कर सके। जो सूत्र में आपको बताने जा रहा हूँ वो नए नहीं हैं और मेरे भी नहीं हैं। हमने पहले इन्हें अपने लोगों के बीच में पेश किया। बार बार याद दिलाने पर कुछ लोगों ने इन सूत्रों का उपयोग किया। इनमें से कुछ लोगों की इन सूत्रों की मदद से कुछ समस्याएं हल हो गई। फिर क्या था, सूत्र प्रसिद्ध होने लगे। अब ये हमारे लोगों में खास प्रचलित है, या यूं कहें कि हर जुबान पर है। इन सूत्रों ने हमारी टीम की नकारात्मक भावनाओं को कम करने में काफ़ी मदद की। गुस्से और चिड़चिड़ेपन को भी कम करने में कुछ लोगों को मदद मिली। जब मैंने इन सूत्रों को एक बड़ी कंपनी में पेश किया तो अधिकांश लोगों के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे कि वो सब कुछ जानते हैं और यह पुराने विचार हैं। फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि ऐसी ढेरों चीज़ें जिन्हें हम जानते हैं कि गलत है, परंतु फिर भी उन्हें करते हैं। यदि ज़िंदगी में कोई भी परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले जानता हूँ को हटाना होगा। प्रेरित होकर कुछ लोग सीखने की मुद्रा में आ गए। खास बात यह है कि ये सीखने की मुद्रा में आ जाने वाले लोग कंपनी में सबसे शीर्ष और उच्च पद के लोग थे। जूनियर तो अभी भी ज्ञानी हूँ का भाव बनाए हुए थे। फिर एक समस्या देखने वाले सज्जन ने तुरंत कहा, डॉक्टर पाटनी, यह कहने में सरल है परंतु करने में कठिन है। मैंने कहा, आप सही कह रहे हैं, यह कहने में सरल है और करने में कठिन है, परंतु असंभव नहीं है, हो सकता है। यदि यह सूत्र कोई भी अपने परिवार या कार्य क्षेत्र में उपयोग करने लगे तो अद्भुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। वैसे भी सरल कामों से बड़े परिणाम आना कठिन है। बड़े परिणामों के लिए तो जंग लड़नी ही पड़ती है, कभी खुद से तो कभी दूसरों से। क्या आप बड़े परिणाम चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो फिर सरल हो या कठिन, कार्य करने को तैयार हो जाइए। अब आप जो तीन नियम पढ़ने जा रहे हैं, हो सकता है आपको वो पहले पता हो, परंतु फिर भी कुछ दिनों के लिए अमल में लाना। परिणाम खुद ही बता देंगे कि वे किताबी हैं या बिल्कुल प्रैक्टिकल। नानूगिरी का पहला उसूल, बहरे बनो। जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, नानू भाई का कहना है कि उसी से प्रेरित होकर इस उसूल का जन्म हुआ। एक छोटे से गड्ढे में 4 मेंढक गिर गए। सारे मेंढक उस गड्ढे के आसपास आ गए और गिरे हुए साथियों का हौसला बढ़ाने लगे। हर तरफ से आवाजें आ रही थी, एक बार पूरी ताकत लगाकर बाहर कूदो, हो जाएगा, हिम्मत मत हारो, डटे रहो। कुछ देर तक तो बाद में मेंढक कोशिश करते रहे, परंतु अब वो बुरी तरह थक चुके थे। इतने में ऊपर से कुछ नकारात्मक सामाजिक मेंढकों ने गड्ढे में गिरे मेंढकों को समझाया, रहने दो बेटा, अब आखिरी समय में क्यों शरीर को तकलीफ देते हो, भगवान का नाम लो और मृत्यु को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लो। यह कहकर सभी मेंढक जोर जोर से उनकी सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हिम्मत हार कर कुछ ही देर में 3 मेंढकों की मृत्यु हो गई, लेकिन चौथे मेंढक ने अचानक ही पूरी ताकत लगाई और निकलकर बाहर आ गया। आकर उसने सबको हिम्मत बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। दूसरे मेंढकों को समझ ही नहीं आया कि उसने धन्यवाद क्यों दिया, क्योंकि वो तो सदगति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बाद में पता चला कि वो चौथा मेंढक बहरा था और जोर जोर से प्रार्थना कर रहे दूसरे मेंढकों को देखकर उसे ऐसा लगा मानो सब उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। मित्रों, ठीक उसी तरह नानूगिरी का पहला उसूल, बहरे रहो। जबकि कोई सामने नकारात्मक बातें कहता रहे, हतोत्साहित करता रहे, आपकी क्षमताओं पर उंगली उठाए, आपका समय व्यर्थ करे, तो बहरे बन जाओ। सुनोगे ही नहीं तो फिर जवाब कैसे दोगे, और इस तरह से नकारात्मकता को हवा नहीं मिलेगी। अब हमारी टीम में कोई भी किसी के विरुद्ध भड़काता है, कोई भी सीनियर किसी जूनियर को बिना किसी कारण डांटता है, तो पीछे
कहीं से कोई बुदबुदाता है, बहरे रहो। कुछ लोग तो खुद ही खुद को कह देते हैं बहरे रहो। शुरू में अपनी भावनाओं को दबाने के लिए खुद से थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है। यह बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है, जिसमें गलत कमांड डालने पर वह स्वीकार नहीं करता और गलत पासवर्ड पर ईमेल अकाउंट नहीं खुलता। इस उसूल का फ़ायदा यह है कि आप नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देते, कौन क्या कर रहा है ये गॉसिप आप तक नहीं पहुँचता। अब बहुत से ऐसी निम्न प्रवृत्ति वाले लोग शर्माने लगे हैं कि कहीं उन्होंने कोई बात कही तो कोई और न कह दे। बहरे रहो। नानुगिरी का दूसरा उसूल, गूंगे रहो। तीन इंजीनियर दूसरे मुल्क में काम करते थे। किसी बात पर वहां का राजा उनसे रुष्ट हो गया और उन्हें मौत की सजा सुना दी। उन इंजीनियरों ने राजा के सामने बहुत विनती की तो राजा ने कहा, मैंने तो फैसला सुना दिया है, अब ऊपर वाले की इच्छा होगी तो वह तुम्हें बचा लेगा। वहां मशीन से गर्दन काटकर मौत की सजा देने का उसूल था। नियत तिथि पर जब उन्हें ले जाया जा रहा था, उनसे सहानुभूति रखने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, चाहे जो भी हो जाए वहाँ कुछ भी मत बोलना, गूंगे बने रहना। इंजीनियरों ने उसकी सलाह मानकर गूंगे बने रहने का निर्णय लिया। पहले इंजीनियर की गर्दन मशीन में रखी गई। जैसे ही बटन दबा, मशीन में से गर्दन काटने का औजार बाहर आया, परंतु गर्दन से कुछ इंच के फासले पर रुक गया। जल्लाद ने कहा कि भगवान की मर्जी तुम्हें मारने की नहीं है, और उस इंजीनियर को छोड़ दिया। फिर दूसरे इंजीनियर की गर्दन रखी, उसमें भी औजार कुछ देर पर रुक गया, उसे भी जल्लाद ने भगवान की मर्जी मानकर छोड़ दिया। तीसरा इंजीनियर बहुत देर से यह देख रहा था, वह गूंगे रहो का सिद्धांत भूल गया। जैसे ही उसकी गर्दन रखी गई, उसने तुरंत जल्लाद से कहा, मूर्ख, इतनी देर से जिसे तुम भगवान की मर्जी कह रहे हो वह मशीन की एक छोटी सी त्रुटि है। उसने त्रुटि बताई और जल्लाद ने तुरंत मशीन से उसकी गर्दन काट दी। दूसरा उसूल, गूंगे रहो। जब भी स्थिति विवाद की बन रही हो, जब भी आपका बीस पति या पत्नी बहुत गुस्से में हो, उस वक्त आपका बोलना आग में घी की तरह काम करेगा, इसलिए गूंगे बन जाओ। आप सही थे, परंतु फिर भी आपने धैर्य रखा। ये बात गुस्सा उतरने के बाद सामने वाले व्यक्ति को बहुत परेशान करेगी और उसे पश्चाताप होगा। ऐसा करने से आपकी भी गरिमा बढ़ेगी। मेरे कुछ मित्रों को गूंगे रहो उसूल से ज़बरदस्त परिणाम मिले हैं। मेरे एक मित्र अभय की पत्नी बहुत गुस्सैल है। जरा जरा सी बात पर दोनों में विवाद इतना बढ़ जाता है कि कई दिन तो वो बात भी नहीं करते। अभय अक्सर घर जाने से बचने के लिए देर तक ऑफिस में समय व्यतीत करता था। जैसे जैसे नानुगिरी के उसूल मित्रों में लोकप्रिय हुए, मैंने उसे गूंगे रहो अपनाने की सलाह दी। उसने तुरंत मेरी सलाह हवा में उड़ा दी और कहा, ये सब बकवास है, कोरी फिलोसफी और प्रवचन है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैंने उससे कहा, यदि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो बिना दिमाग लगाए 15 दिन तक यह करके देखो। अनमने ढंग से उसने स्वीकृति दी। उसी दिन उसकी पत्नी ने सुबह ऑफिस से आते हुए करने का कुछ काम दिया था, जो ट्रैफिक जाम की वजह से वो नहीं कर पाया था। पत्नी जैसे ही आग बबूला होना शुरू हुई, अभय को गूंगे रहो का वादा याद आ गया। वह सब कुछ चुपचाप सुनता रहा, कोई बहस नहीं की। उसकी पत्नी जल्दी थक गई और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। वो मन ही मन हैरान थी अभय की चुप्पी देखकर। अभय भी आश्चर्य में पड़ गया। उसे थोड़ी संतुष्टि हुई कि चलो, गूंगे रहो की वजह से 2 घंटे चलने वाली लड़ाई का एपिसोड 10 मिनट में ख़त्म हो गया। अगले दिन अभय ऑफिस से लौटते हुए पत्नी का बोला हुआ सामान लेकर गया। वो दिन उसके लिए यादगार दिन बन गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे सॉरी कहा। उसने कहा कि मुझे पता चल गया कि कल जुलूस की वजह से ट्रैफिक जाम था और तुम्हें रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन मैं इतना चिल्लाई तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। अब वो दोनों लड़ाई टालते हैं और गूंगे रहो के बहुत बड़े प्रचारक हैं। आप भी ऑफिस में और परिवार में गूंगे रहो सिद्धांत अपनाइए और देखिए आपकी ज़िंदगी से विवाद कितने कम हो जाते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। नानुगिरी का तीसरा उसूल, अज्ञानी रहो। एक गुरु के पास एक व्यक्ति आया और उस कहने लगा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ नई बातें सीखनी हैं। गुरुजी ने कहा, कुछ नई बातों का अर्थ? उसने कहा, गुरुजी लगातार अध्ययन से मैं संसार का अधिकांश ज्ञान ले चुका हूँ, फिर मैंने सोचा चलकर आपसे भी चर्चा कर लेता हूँ, यदि कुछ नया होगा तो सीख लूँगा। गुरुजी ने 2 खाली कप और चाय की केतली मंगाई, पहले स्वयं के कप में चाय डाली और फिर उस व्यक्ति के कप में चाय डालनी शुरू की। गुरुजी चाय डालते गए, उसका कप भर गया और चाय बाहर गिरने लगी।
गुरुजी कप भर गया है, चाय बाहर गिर रही है। गुरुजी ने कहा, जिस तरह इस भरे कप में चाय डालने से बाहर गिर रही है, यह कप अब और चाय नहीं ले सकता। ठीक इसी तरह मैं तुम्हारे भरे दिमाग में और ज्ञान कहाँ से डाल सकता हूँ। यदि ज्ञान चाहते हो पहले अपना दिमाग खाली करके आओ। मित्रों, ठीक उसी तरह यदि आप भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो अज्ञानी बन जाइए और ज्ञान को भीतर आने दीजिए। ये दुनिया ज्ञानियों से भरी पड़ी है। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं परंतु कुछ भी जीवन में नहीं उतारते। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते परंतु दिखावा ऐसे करते हैं मानो सब कुछ जानते हैं। नानू भाई के अनुसार तीसरा असूल अज्ञानी रहो सबसे कठिन है। मैंने उससे कहा, नानू भाई, 52 साल की उम्र में आपने जिस तरह वापस जिंदगी से आकर खुशियों को जीता है वह एक मिसाल है। मैं यह नहीं कह सकता कि इन सूत्रों से कितने लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, परंतु यदि एक व्यक्ति को भी अंधेरे में उजाले की किरण मिल गई तो नानूगिरी सार्थक हो जाएगी। यदि किसी की ज़िंदगी ने भी बदली, सिर्फ सोचने की प्रक्रिया जागृत हो गई, तो वह भी हमारे लिए एक बड़ा पुरस्कार होगा। यह सुनकर नानू भाई अपने सूत्र हमें देने पर सहमत हुए, वह भी एक शर्त पर, हम उनका असली नाम नहीं छापेंगे। वह सफलता क्या बला है? सफलता की हर व्यक्ति की अलग अलग परिभाषा है, सबके लिए इसके मायने अलग हैं। कोई थोड़े में खुश है, कोई ज़्यादा में खुश है, लेकिन एक बात तय है, सफलता हवा हो गया है और हम असफलता से डरने लगे हैं। जबकि इतिहास कहता है कि असफलता रास्ता है और सफलता लक्ष्य है, असफलता पड़ाव है और सफलता मंजिल है। क्या रास्ते के बिना मंजिल और पड़ाव के बिना लक्ष्य प्राप्त संभव है? शायद नहीं। असफल होने का साहस कीजिए, सफलता अपने आप ही आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, देर से मिली सफलता भी सफलता है, असफलताओं के बाद मिली सफलता भी सफलता है। सफलता का मूल्य है ढेर सारी असफलताएं, और मूल्य चुकाए बिना हम कैसे किसी चीज़ को पा सकते हैं। मैं कई शीर्षक पढ़ता हूँ, सफलता 7 दिनों में, 1 महीने में करोड़पति बने, तुरंत सफलता। मन में विचार उठता है कि क्या वाकई यह संभव है? मुझे लगता है कि लेखक और विचारक ऐसी लाइनें इसलिए लिखते हैं ताकि आप उत्साहित हो, प्रेरित हों, आलस्य छोड़कर पूरी लगन से जिंदगी की दौड़ शुरू करें। शीर्ष पर बैठे सैकड़ों लोगों की जीवनियां पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि बिना असफल हुए कोई सफल नहीं हो सकता। सफलता कोई सस्ती वस्तु नहीं है, वो हमेशा बाधाओं के बाद मिलती है। हमारा सिर्फ एक दायित्व है कि हम हर कार्य में अपना 100% प्रयास करें, फिर परिणाम महत्व नहीं रखते। सफलता कोई एक झटके में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, ढेर सारी छोटी छोटी उपलब्धियों को मिलाकर परिणाम के रूप में आती है सफलता। छोटे छोटे लक्ष्य पाते जाइए, अपनी उपलब्धियों पर खुश होते जाइए, चलते जाइए, रुकिए मत, फिर ये सफलता जैसे शब्द आपके कोई मायने नहीं रखेंगे। आखिर हम असफलताओं, मुश्किलों और बाधाओं का सम्मान क्यों नहीं करना चाहते? क्यों हम चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में कभी न आए, जबकि ये बाधाएँ ही हमें दृढ़ और मजबूत बनाती है। असफलता और सफलता जैसे शब्दों को गौण दीजिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, खुद पर विश्वास कीजिए, क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य बनाइए। कभी कभी हम बिना तैयारी के आसमानी लक्ष्य बना लेते हैं और असफल हो जाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है और हमारी स्वयं के बारे में नकारात्मक मानसिकता बनने लगती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात असफल नहीं होता और किसी के भी भाग्य में ईश्वर हमेशा के लिए हार नहीं लिखते। हो सकता है आपकी योजनाओं में गलती हो, कोई गलत निर्णय हो, दिशा गलत हो या परिस्थिति ने साथ ना दिया हो। यदि आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी तो आप असफल नहीं हुए। आपकी कार्य योजना असफल हुई, फिर से एक बार नई योजना बनाइए और निकल पड़िए। विचारक विलियम ए वार्ड ने कहा भी है, जब अन्य लोग सो रहे हो तो आप अध्ययन कीजिए, जब अन्य लोग घूम रहे हो तब आप काम कीजिए, जब अन्य लोग खेल रहे हो तब आप तैयारी कीजिए, और अन्य मात्र इच्छा कर रहे हो तब आप काम शुरू कर दीजिए। आखिर क्या है सफलता का फॉर्मूला? कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। या सफलता के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, या बिना भाग्य के कोई सफल नहीं हो सकता, या फिर सफलता मार्केटिंग के दम पर मिलती है। मैं ऊपर लिखी सभी बातों से सहमत हूँ, इसलिए एक फॉर्मूला लाया हूँ जिससे आप पुनः शुरुआत कर सकते हैं और बहानों से बच सकते हैं। सफलता में योगदान, 35% कड़ी मेहनत चाहिए और 35% बुद्धिमता, नज़रिया, दिशा और 15% भाग्य और 15%
मार्केटिंग, व्यक्तित्व और अन्य। सफलता 70% या उससे अधिक अंक होने पर मिलती है। एक बार हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम गपशप कर रही थी, साथ ही कुछ पुराने मित्र भी थे, अलग अलग भौतिक आर्थिक स्तर वाले लोगों के बीच अचानक यह सफलता का फॉर्मूला जाने कहीं से आ गया। कर्मवादी लोगों ने कहा कि ये भाग्य बेकार की बात है, यदि दिशा में जमकर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर इंसान बैठा रहेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। भाग्य काम ना करने का बहाना है। भाग्यवादी लोगों ने कहा है कि कर्म से कुल नहीं होता, नहीं तो भारत का हर मजदूर करोड़पति होता। यदि भाग्य में धन संपत्ति लिखी होगी तो अपने आप ही चलकर आएगी। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि इंसान थोड़ा दिमाग लगाए तो अपना भाग्य खुद रच सकता है, न तो मजदूरों जैसी घिसने की जरूरत है न भाग्य के सहारे बैठने की। इंसान यदि कार्य को रणनीति बनाकर मार्केटिंग करे तो अपने आप सफल हो जाएगा। इसी बीच सफलता का यह फॉर्मूला पेश हो गया। एक मित्र तुरंत उत्तेजित होकर बोला, यह भी कोई फॉर्मूला है, यह तो मिक्स वेज सब्जी की तरह है जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। दूसरे ने कहा, तुम इसे गलत सिद्ध करके दिखा दो। कोई भी इसे गलत सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि सच कहा जाए तो सफलता का कोई स्थापित फॉर्मूला नहीं हो सकता। सफलता में ढेर सारे तत्वों का योगदान होता है। मेहनत, भाग्य, नजरिया, लगन, बुद्धि, न जाने कितने गुण हैं जो इंसान को शिखर पर ले जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाए बिना अपने अंदर उपलब्धियां पाने की तीव्र इच्छा पैदा करें। पूरी ताकत झोंक दीजिए, आप देखेंगे कि घटनाएं अपने आप इच्छानुसार घटने लगेगी। इस सफलता के फॉर्मूले से एक बात सामने आती है कि कड़ी मेहनत, नज़रिया और सही दिशा का कोई विकल्प नहीं है। आप किसी भी वैज्ञानिक, उद्योगपति, खिलाड़ी, राजनेता की जीवनी उठाकर देख लीजिए, सबने अलग अलग परिस्थितियों में सफलता की मंजिलें हासिल की। धीरूभाई अंबानी से लेकर नारायण मूर्ति तक ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है। ओपरा विनम्रे से लेकर ब्रूसली तक सब हमारे सामने, जिन्होंने सफलता के अपने फॉर्मूले स्वयं लिखे। इसलिए बहाने बनाना बंद कीजिए, दिशा निश्चित कीजिए, मेहनत शुरू करें, भाग्य अपने आप मेहमान बनकर आएगा, सफलता का फॉर्मूला आपके ऊपर भी फिट हो जाएगा। मैं जब कोई खेल हार जाता हूँ तो खुद से कहता हूँ, मैं नीचे हो सकता हूँ लेकिन बाहर नहीं। बड़ी से बड़ी असफलता समय के बीतने के साथ भर जाती है, और जिस तरह शतरंज में उसी तरह जीवन में भी एक गलत चाल का मतलब खेल का अंत नहीं है। ये शब्द ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद द्वारा कहे गए हैं। लक्ष्य बिना सब दूर अंधेरा। एक वृद्ध एक सुनार के पास आया। उसने सुनार से कहा, मुझे तराजू दो, मुझे सोना तोलना है। सुनार ने जवाब दिया, दफा हो जाओ, मेरे पास नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, मजाक मत करो, मैं छानी नहीं तराजू मांग रहा हूँ। सुनार ने जवाब दिया, भाग जाओ, मेरे पास झाड़ू नहीं है। वह आदमी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं तराजू मांग रहा हूँ, तुम छाननी, झाड़ू, क्या क्या बक रहे हो, बहरे होने का नाटक मत करो। सुनार ने कहा, ना मैं बहरा हूँ ना मैं बक रहा हूँ, सच यह है कि तुम बूढ़े हो, कांप रहे हो, हाथ कांप रहे हैं, शरीर सीधा नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बड़ा टुकड़ा नहीं है बल्कि स्वर्ण के कण है। तुम तराजू में तोलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे कांपते हुए हाथों से सोना फिसल कर गिर जाएगा। फिर तुम कहोगे, सुनार मुझे एक झाड़ू दो ताकि मैं धूल में स्वर्ण कण ढूंढ सकूं। जब तुम झाड़ू लगाओगे तो स्वर्ण कण के साथ धूल भी आ जाएगी। फिर तुम कहोगे, सुनार भाई छाननी दो, शुरू से ही मैंने पूरा अंत देख लिया, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, कहीं और जाओ, खुदा हाफिज। प्रसिद्ध प्रेरक डेविड श्वार्ट कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करते ही अंत को देखने की कोशिश करो ताकि मंजिल पर पहुंचकर पछतावा न हो। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी सफलता भी छोटी होगी, अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। मैं अपनी लक्ष्य निर्धारण की कार्यशाला में प्रशिक्षकों से पूछता हूँ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अधिकांश लोग कहते हैं धनी बनना। मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि धनी बनने का क्या अर्थ है? 1,00,000 रुपये, 1,00,000,000 रुपये, 50,00,000,000 रुपये, 500,00,000,000 रुपये, कितने धनी बनना चाहते हो? एक चुप्पी छा जाती है, उत्तर नहीं सूझता, और फिर हम लक्ष्य निर्धारण की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी चर्चा के बाद उनका कड़वे सच से साक्षात्कार होता है कि वो बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अपने आप को भुलावे में रखे हुए थे। लक्ष्य थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। यदि आप नहीं जानते कि आपको अपनी कार में कितने किलोमीटर जाना है तो आप पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? यदि आपको यह नहीं मालूम कि गंतव्य पर आपको कितने घंटों में पहुंचना है तो आप कार की गति कैसे तय करेंगे?
मैं लक्ष्य निर्धारण की कार्यशाला में कहता हूँ कि मुझे गोल मोल लक्ष्य वाले कागज मत दिखाना, मुझे ठोस मंजिल, उन्हें पाने की संभावित योजना और समय सीमा दिखाना। लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि इतनी गंभीरता से कभी सोचा ही नहीं। अलग अलग विचार मन में आते हैं, यकीन कीजिए लोग 10 बार लिखते हैं और फाड़ते हैं और तब भी निर्णय नहीं कर पाते कि लक्ष्य क्या है, खुद के सपनों और विचारों को शब्द नहीं दे पाते। सच तो यह है कि अधिकांश लोगों के पास पाने को कोई स्पष्ट सपना ही नहीं होता। आज से कुछ वर्ष पहले सन 2002 में एक कार्यशाला में समीर शर्मा नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मुझे अपना लक्ष्य दिखाया, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। समीर का अगले 2 वर्ष का लक्ष्य है करियर। मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अमेरिका में नौकरी करना है। मेरा पैकेज 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगा। परिवार, मुझे मेरे माता पिता को तिरुपति बालाजी की यात्रा करानी है। मेरे छोटे भाई निखिल को डेंटल कॉलेज में प्रवेश दिलाना है। समीर का अगले 5 वर्ष का लक्ष्य है पहला 2008 तक अमेरिका से धन कमाकर भारत वापस आना है। नंबर 2 पुणे में 4 बेडरूम वाले नए फ्लैट में शिफ्ट होना है। नंबर 3 काले रंग वाली होंडा सिटी कार का उस वर्ष का नवीनतम मॉडल लेना है। नंबर 4 छोटे भाई निखिल को MDS में प्रवेश दिलाना है। इस प्रकार विस्तार से 4 पृष्ठों का अपना लक्ष्य तैयार किया, साथ ही इस दिशा में वह किस प्रकार कार्य कर रहा है उसका भी ब्यौरा दिया। पढ़कर मुझे विश्वास हो गया कि वह अपने सपने जरूर पूरे कर लेगा क्योंकि उसे अपने जीवन की ठोस दिशा मालूम है। ऐसे लोगों के भटकने और ऊर्जा व्यर्थ करने की संभावनाएं कम होती हैं। इस अध्याय को लिखने के 1 हफ्ते पहले मुझे समीर का ईमेल मिला कि अमेरिका में धन अर्जन का लक्ष्य पूरा कर चुका हूँ और पुणे में वापस आकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया हूँ। यहाँ एक चेतावनी भी है कि कोरे लक्ष्य बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसके लिए डटना होगा। डट पाओगे? लक्ष्य के लिए जुनून पैदा करना होगा। कर पाओगे? तकलीफें सहनी होगी। क्या सह पाओगे? धैर्य रखना होगा क्योंकि लक्ष्य एक दिन में नहीं मिलता, उसके लिए रोज मेहनत करनी होती है। जिस प्रकार छोटे छोटे फूल मिलकर विशाल बगीचे का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ मिलकर महासागर का निर्माण करती हैं, हर रोज की छोटी लगने वाली उपलब्धियां बड़ी मंजिलों को जन्म देती हैं। यदि आप लक्ष्य को कागजी बात प्रवचन मानकर उसे गंभीरता से नहीं ले रहे तो ज़्यादा संभावना है कि आप सदैव एक आम व्यक्ति ही रहेंगे, कभी कुछ खास नहीं बन पाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन बिना लक्ष्यों के आप उतना सफल नहीं हो पाएंगे जितना आप में क्षमता है। यदि आप इस पुस्तक को चंद रुपयों में खरीदा गया छपे कागजों का बंडल मानते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यदि आप वाकई में ज़िंदगी को उसकी संपूर्णता में जश्न के साथ जीना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए तकलीफ भरा रहेगा। यदि आप अपने सपनों के प्रति गंभीर हैं, यदि आप आम नहीं रहना चाहते तो आज आप पेन उठाएंगे, एकांत में बैठेंगे और सोचना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि आज से 5 साल और 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि आप अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि आप अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। आप सोचेंगे कि समाज में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यदि आपके सोचने की प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई तो लक्ष्य अपने आप सामने आ जाएंगे और मुश्किलों के बादल छटने लगेंगे। एक सादा पेपर लीजिए और ठंडे दिमाग से सोचकर बड़े बड़े अक्षरों में लिख डालिए अपने स्वर में इस वर्ष का लक्ष्य है परिवार करियर समाज शोक। आगामी 5 वर्षों का लक्ष्य है परिवार करियर समाज शोक। यदि मुश्किल हो रही है तो सोचने में थोड़ा वक्त लीजिए, गहराई से सोचिए और खुद को जवाब दीजिए। यदि कभी लक्ष्य के बारे में सोचा नहीं तो निराश मत होइए, आज और अभी सोचिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और जुट जाइए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न कर पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बिता देते हैं। यदि लक्ष्य स्पष्ट न हो तो भी दिक्कत होगी, लक्ष्य अनिश्चित हो तो आप कुछ दूर तक तो चलेंगे, फिर कठिनाइयाँ आएंगी, दिशा भटकेगी, असफलता की ठोकरें खाएंगे और निराश हो जाएंगे। आशिक सफलता से संतोष करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्य वक्ष्य सब बेकार की बात है, हम बिना लक्ष्यों के भी सफल हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप सफल हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हो पाए या नहीं जितना आप में योग्यता और क्षमता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य आपको खुद की कार्यक्षमता और हैसियत की पहचान करने में मदद करते हैं। यह ऑडिट की तरह है जो कि आपको बताता है कि आपका प्रयास उचित है या नहीं, आप ठीक दिशा में ठीक गति से जा रहे हैं या नहीं। दुनिया का हर उद्योग अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। साल के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद
हफ्ते और दिन का लक्ष्य निर्धारित करता है। इस तरह से हर दिन का कार्य करके वर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है। उसी लक्ष्य के अनुसार कर्मियों की संख्या होती है, कच्चा माल लिया जाता है, विक्रय के ऑर्डर लिए जाते हैं। ठीक इसी तरह हर इंसान को अपने लिए साल का लक्ष्य तय करना चाहिए, उस लक्ष्य के अनुसार समय प्रबंधन और मेहनत करनी चाहिए, तभी सपनों का साकार होना संभव है। अपने लक्ष्य बनाते समय स्मार्ट का ध्यान रखें, SMART। यह दादी मन की तरह सैलून से चला आ रहा है, जो लक्ष्य निर्धारित करने में आपकी मदद करेगा। पहला S स्पेसिफिक, विशिष्ट, M मेजरेबल, जिसकी मात्रा हो, A अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य हो, R रियलिस्टिक, जो वास्तविक हो, T टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। आपका लक्ष्य एकदम विशिष्ट होना चाहिए, जो पहचाना जा सके, आपकी कोई मात्रा हो, जो पाने योग्य हो, इंसान की सीमाओं में हो, जो सच्चाई के करीब हो और जिसको पाने की आपने समय सीमा तय कर रखी हो। इसका विस्तार से वर्णन आपको लक्ष्य से जुड़ी ढेर सारी किताबों में मिलेगा, जैसे फिक्स योर गोल, लाइफ इज मनी आदि। मेरा मानना है कि एक मूर्ख या योग्यता विहीन व्यक्ति असफल हो जाए तो अफसोस की बात नहीं है, परंतु यदि एक बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति असफल होता है तो उसे स्वयं पर शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी योग्यता के साथ धोखा किया है। ये शब्द डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी द्वारा कहे जा रहे हैं।